आइए जिस गीत की फरमाइश थी आपके बीच निवेदित जी, जी जी आशु भाई ये हम सफर का गीत है, अपने अजीज का गीत है। और देखिए ये गीत ही नहीं मेरी हैसियत है, मेरी इज्जत है। जी जी अगर आज जिस मंचों पर मैं जा रहा हूँ इस गीत के जरिए जा रहा हूँ, इस गीत की कृपा रही है जी आप तक। स्वागत भैया, स्वागत कुमार भाई, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां बजाए भाई का, बहुत सर्वश्रेष्ठ गीत हमारे बीच आ रहा है भाई तुम्हारा। इस गीत की भूमिका ये है, मेरा भाई राजस्थान की धरा से आया है। जी भाई देखिए राजस्थान में एक धार का रेगिस्तान है जी, जहाँ पर एक हिरण और एक हिरणी का जोड़ा मरा पड़ा था। वाह, उधर से दो सखियां गुजर रही थी, हिरण और हिरणी का जोड़ा मरा पड़ा था राजस्थान में, और उधर से दो सखियां वो गुजर रही थी। तो पहली सखी ने दूसरी सखी से कहा कि उभो ना दिखे पार थी, हाय हाय उबो ना दिखे पार थी। मेरी बहन भी राजस्थान की धरा से है कि उभो ना दिखे पार थी, लगियो ना दिखे बाण। दो हिरण हिरणी मरे पड़े हुए हैं, दो सखियां गुजर रही है। पहली सखी ने दूसरी सखी से कहा कि उभो ना दिखे पार थी, लगियो ना दिखे बाण। मैं तन पूछू है सखी किस वित्त जा प्राण। क्या बात है सखी, ये जो हिरण हिरणी का जो मरा पड़ा जोड़ा है, ना तो कोई बाण नजर आ रहा है, ना कोई शिकारी नजर आ रहा है, फिर मरे कैसे। तो पहली सखी की बात का जवाब दूसरी सखी ने कैसे दिया, और यही प्रेम की पराकाष्ठा है। दूसरी सखी कह रही है कि जल थोड़ा नेहा घना, वाह वाह जल थोड़ा नेहा घना, यानी पानी कम था और मोहब्बत ज्यादा थी, जल थोड़ा नेहा घना, लग्या प्रेम का बाण और तूपी तूपी करत ही दोनों ने तजा प्राण। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, पानी कम था, एक ने कहा तू पी ले, दूसरे ने कहा तू पी ले, इस तरीके से दोनों की मृत्यु हो गई। ये प्रेम है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आइए अपना गीत आप तक निवेदित कर रहा हूँ जी भैया, हम सफर के नाम, अपने अजीज के नाम जी, जो अपना महबूब है उससे कह देना जी। किस संग में रहना, वाह वाह, संग में रहना हमेशा तू मेरे। क्या बात है आशु, और मेरे पिता तुल्य बैठे हैं आदरणीय शायर साहब खलील कुरैशी साहब, आपका वंदन अभिनंदन। कि संग में रहना हमेशा तू मेरे, चाहे कैसे हो हालात मेरे। क्या बात है भाई, मेरे गम से परेशान न होना, मेरे गम से परेशान न होना, तुम समझना ये जज्बात मेरे। बहुत अच्छे भाई, मेरे रहना। देखिए आपने बॉम्बे के अनेक अश्लील गीत सुने हैं, अश्लील गीत सुने हैं आपने, चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे का है। लेकिन ये साहित्य का मंच है, हम भी गीत लिखते हैं, लेकिन एक शब्द भी अश्लील नहीं होता है। जब इस साहित्य की यात्रा में जब पहला कदम रखा था, तो हमारे पिता ने यही कहा था कि बेटा श्रृंगार का गीत लिख रहे हो, और गीत ऐसा लिखना कि बाप बेटे के साथ सुन सके, माँ बेटी के साथ सुन सके, और दोनों भाई बहन साथ में सुन सके। बहुत अच्छे भाई आशु, वाह वाह। किस संग में रहना हमेशा तू मेरे, चाहे कैसे हो हालात मेरे, मेरे गम से परेशान होना, तुम समझना ये जज्बात मेरे। पहला बंद राजेश, वाह भैया, कि तुम अगर संग मेरे न होते, वाह मन की पीड़ा को किससे मैं कहता। क्या बात है भाई, वाह वाह, कि तुम अगर संग मेरे न होते,
मन की पीड़ा को किससे मैं कहता, अपनी आंखों के अश्कों को हरदम मैं तन्हाई में खुद ही पीता। निवेदन करिए इन पंक्तियों के जी भाई, बहुत अच्छा अपने हम सफर से। वाह वाह वाह। कि छोड़ करके कि छोड़ करके कभी तुम न जाना। वाह वाह, क्या बात है। छोड़ कर कि छोड़ करके कभी तुम न जाना, जब तलक प्राण छूटे न मेरे वाह वाह वाह, संग में रहना हमेशा तू मेरे, चाहे कैसे हो हालात मेरे, मेरे गम से परेशान होना, तुम समझना ये जज्बात मेरे। दुती बंदा आपके बीच और अपनी जगह जी भाई, कि मुफलिसी में भी हम जिंदगी का वाह वाह मुस्कुरा कर गुजारा करेंगे। बिरमाल वाह वाह वाह, कि मुफलिसी में भी हम जिंदगी का मुस्कुरा कर गुजारा करेंगे, दर्द की काली रातों से लड़कर हम खुशी का सवेरा करेंगे। लेकिन कब? वाह भैया, कि तुम फिकर मेरे जख्मों की करना, कि तुम फिकर मेरे जख्मों की करना, तुम ही जख्मों का मरहम हो मेरे, संग में रहना हमेशा तू मेरे, चाहे कैसे हो हालात मेरे, मेरे गम से परेशान होना, तुम समझना ये जज्बात मेरे। बहुत बहुत धन्यवाद।